नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचेता शर्मा और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में आरसीटी या पल्पेक्टमी कैसे होती है। फ्रेंड्स, पल्पेक्टमी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों कराना ज़रूरी है, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि बच्चों के दांतों में आरसीटी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या बच्चों के दांतों में आरसीटी कराना क्यों ज़रूरी है, तो हमारी लास्ट वीडियो आप देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के दांतों में आरसीटी जो डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं वो कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो पल्पेक्टमी है या बच्चों के दांतों की आरसीटी है, ये लगभग बड़े यानी अडल्ट पेशेंट्स की आरसीटी के जैसा ही प्रोसीजर है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इस प्रोसीजर में सबसे पहले डेंटिस्ट अपने एरोटर से या फिर सरल भाषा में जिसे आप ड्रिल मशीन कहते हैं, ड्रिल मशीन से जो दांत समस्या वाला या सड़न वाला है उसके अंदर ड्रिल करता है और सड़न वाले हिस्से को कट करते हुए बच्चे के दांत की पल्प तक पहुंचता है और पल्प तक पहुंचने के बाद अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो कि बहुत पतले पतले होते हैं, डेंटिस्ट उसे अपनी भाषा में फाइल्स बोलते हैं, उनसे उस इन्फेक्टेड पल्प को बाहर निकाल देता है और यहीं से बच्चे के दांत में दर्द होने का कारण खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ दवा दांत के अंदर डाली जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। उस दवा का काम ये होता है कि दांत की जड़ों को हर इन्फेक्शन से मुक्त किया जाए, डिसइन्फेक्ट प्रॉपरली किया जाए और ये डिसइन्फेक्शन प्रॉपरली करने के बाद जड़ों के अंदर एक फिलिंग मटेरियल डालकर उसको भर दिया जाता है और ऊपर से सील कर दिया जाता है, यानी कि स्टील की कैप लगा दी जाती है। जिस केस में स्टील की कैप ना दी जाए वहाँ पर एक दांत के जैसे ही कलर का फिलिंग मटेरियल डालकर उसको फिल कर दिया जाता है। और ये प्रोसीजर करने के लिए डेंटिस्ट आपको या आपके बच्चे को अमूमन 2 से 3 बार मैक्सिमम बुलाते हैं। यहाँ पर जानने वाली आपके लिए बात ये है कि बच्चों के दांतों की रूट्स में जो फिलिंग मटेरियल डाला गया है वो बड़ों के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले फिलिंग मटेरियल से डिफरेंट होता है। उसमें फ़र्क ये होता है कि जो बच्चों के ट्रीटमेंट में डेंटिस्ट फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रिजॉर्बेबल होता है या फिर घुलनशील तरह का पदार्थ होता है। और यह घुलनशील पदार्थ को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बच्चों के जो दांत हैं, जो दूध के दांत हैं, वो समय के साथ, एज के साथ उनकी जड़ें घुल जाती हैं ताकि परमानेंट दांत उनकी जगह पर आ सके, वो इजीली हिलकर निकल सके। तो यह एक कुदरतन प्रोसीजर है, यह एक नेचुरल फिजियोलॉजिक प्रोसीजर है जिसको कॉपी करने के लिए, जिसका साथ देने के लिए इस तरह से इस ट्रीटमेंट में घुलनशील मटेरियल या फिर रिजॉर्बेबल मटेरियल से बच्चों के दांतों की रूट्स की फिलिंग की जाती है। और इस तरह से डेंटिस्ट सक्सेसफुली ये पल्पेक्टमी या बच्चों के दांत की आरसीटी, जिसे आप सरल भाषा में समझ पाएंगे, इसको अंजाम देते हैं और बच्चे के दांत का दर्द पूरी तरह से ख़त्म कर पाते हैं और बच्चा चैन से रह पाता है, बिना दर्द के रह पाता है और आराम से खाना खा पाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पल्पेक्टमी के बारे में सिर्फ इतना ही और मैं आशा करती हूँ आज की हमारी इस वीडियो से आपकी कुछ नॉलेज ज़रूर अपग्रेड हुई होगी, आपके कुछ सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे और मैं आगे भी आपसे मिलती रहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी जिससे आपको कुछ मदद मिल पाएगी। थैंक यू।